नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह और बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। बालों को शाइनी और हेल्दी लुक देने के लिए हेयर सीरम का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसे लगाने का सही तरीका और इसके फायदों के बारे में कम ही लोगों को जानकारी होती है। यहाँ जानिए कैसे और कब लगाना चाहिए हेयर सीरम, साथ ही बालों को इससे कौन कौन से लाभ मिलते हैं। बालों में हेयर सीरम का उपयोग करते समय उनकी लंबाई के साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके बाल कितने घने हैं। हेयर सीरम हमेशा धुले हुए बालों में लगाना चाहिए। कौन ना लगाए, हेयर सीरम केवल ड्राई बालों में लगाना ही सही होता है। अगर आपके बाल ऑयली हैं, तो आपको हेयर सीरम के उपयोग से बचना चाहिए, नहीं तो आपके बाल अधिक चिपचिपे हो सकते हैं। लगाने का सही तरीका, हेयर सीरम की 6 से 7 ड्रॉप हाथ में लेकर इसे दोनों हथेलियों पर रगड़ लें। अब हल्के हाथों से बालों की जड़ों से लेकर बालों के अंतिम छोर तक सीरम लगाएं। जरूरी लगे तो आप इस विधि को 2 से 3 बार तक दोहरा सकते हैं। ध्यान रखें कि सीरम का उपयोग बहुत अधिक करने पर बाल चिपचिपे भी दिख सकते हैं, इसलिए मात्रा का ध्यान रखें। हेयर सीरम लगाने के फायदे, इस तरह बालों की जड़ों में सीरम से मसाज करने, पूरे बालों को सही तरीके से सीरम लगाने पर बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, बाल शाइनी और मजबूत होते हैं। हेयर सीरम बालों को सन हीट और पॉल्यूशन के प्रभाव से बचाता है। हेयर सीरम चुनते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि वह थर्मल प्रोटेक्शन युक्त होना चाहिए। कर्ली हेयर अक्सर रुखे होते हैं और इन्हें मैनेज करना भी मुश्किल भरा होता है, ऐसे में हेयर सीरम से कर्ली हेयर को आसानी से मैनेज किया जा सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।